Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, today, the motive of this class is, आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे मेन? It is revision. आज की क्लास में हम कुछ भी सिलेबस आगे नहीं करेंगे. We are going to do revision of some of the chapters. Okay? So just have a look, I'll give you a first chapter जो हम revision करेंगे वो है the sentences. क्या है first chapter? The sentences. आज हम इसकी revision करते हैं. तो मैं आपको just brief दूंगी sentences क्या होते हैं, हम कैसे लिखते हैं sentences को और कैसे पता लगता है कि ये sentence है या नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज पढ़ लो कि जो वर्ड्स, जब कुछ वर्ड्स का ग्रुप मिल जाता है और वो एक मिल के एक सेंस बनाता है, एक बहुत अच्छी एक कंप्लीट सेंस बनाता है, उसे सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है, वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो वर्ड्स कंप्लीट सेंस बनाते हैं उन्हें हम सेंटेंस बोलते हैं. थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है सेंटेंस के? सबसे पहली बात कि वर्ड्स सेंटेंस के अंदर, जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं उसमें जो वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं वो एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखे होने चाहिए. वो क्या होने चाहिए? एक प्रॉपर ऑर्डर में रिटन होने चाहिए. सेकेंड थिंग ये है कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. एंड थर्ड थिंग इज, या तो सेंटेंस के आगे फुल स्टॉप लगेगा या क्वेश्चन मार्क लगेगा, या तो सेंटेंस के आगे फुल स्टॉप लगेगा या क्वेश्चन मार्क लगेगा. ठीक है, लाइक एक एग्जांपल है, संजय हैज अ सिस्टर हुज नेम इज गीता. तो सबसे पहला क्या है कि वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस होना चाहिए. तो वर्ड्स प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस हैं. सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं. सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और सेंटेंस के बाद हमेशा या तो फुल स्टॉप लगता है या क्वेश्चन मार्क लगता है. सेंटेंस के बाद हमेशा फुल स्टॉप लगता है या क्वेश्चन मार्क लगता है. ठीक है, तो अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो कैसे आ सकते हैं? या तो आपके ऐसे दिया होगा कि आपको रीअरेंज करके सेंटेंस बनाने हैं, प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है. ठीक है, या आपको क्या करना है, सेंटेंस बनाना होगा. जैसे आगे वाले दो वर्ड्स दे रखे हैं, इसके सेंटेंस बनाओ. ठीक है, या आपको ये बोला होगा कि कुछ लाइन्स में सेंटेंस फॉर्म करो. ठीक है, अब सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. सेंटेंस के कुछ पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, जो सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट तो वो पर्सन होता है या वो थिंग होती है जिसके बारे में हम बात करते हैं. लाइक सब्जेक्ट क्या है? या तो कोई नाउन है या कोई प्रोनाउन होता है. ठीक है, और प्रेडिकेट होता है कि क्या बात कर रहे हो. लाइक मैंने बोला लीना हैज अ डॉल, तो नाउन और प्रोनाउन में से क्या है ये? लीना नाउन हुआ, हैज अ डॉल, तो ये क्या है? काम करने वाला पर्सन है, ये एक्शन करने वाला, ये डूअर होता है. सब्जेक्ट जो होता है वो या तो हमेशा नेमिंग वर्ड होता है या प्रोनाउन होता है. तो उसको छोड़ के, नेमिंग वर्ड या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को छोड़ के, जो भी बाकी सेंटेंस का पार्ट होता है, सेकंड पार्ट जो बचता है सेंटेंस में, वो क्या होता है? प्रेडिकेट. लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट. द सन क्या है? द सन क्या है? जो सन है वो क्या है? नाउन है. और जो बाकी सेकंड पार्ट जो बच गया नाउन के अलावा वो क्या हो गया? प्रेडिकेट. ठीक है, तो
तो इसमें आपको क्वेश्चन आ सकते हैं अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, या डिवाइड करो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, मैच करो सुटेबल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को ताकि सेंटेंस बने. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजी इजी सा पार्ट है जो आ जाता है. ठीक है, अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ पोर्शंस आते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीजें होती हैं? नाउन्स, प्रोनाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेंक्शंस. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है नाउन्स, प्रोनाउन्स, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेंक्शन. मैं ये चैप्टर में से सिर्फ वही वही पोर्शन दूंगी जो आपके एक्चुअल सिलेबस में है. लाइक अगर आपके एडवर्ब सिलेबस में नहीं है तो हम ये चैप्टर में दूंगी भी नहीं. ठीक है, तो आपको सिर्फ वही वही चैप्टर्स करने हैं. बेसिकली ये चैप्टर आपको ऐसे नहीं करना कि आप पूरा करोगे, आप उसमें से चैप्टर टॉपिक उठा लोगे कि नाउन्स करवाए हैं मैम ने तो नाउन्स रिवाइज करते हैं, प्रोनाउन्स हैं हमारे सिलेबस में तो वो रिवाइज करते हैं. अगर आपके सिलेबस में एडवर्ब्स नहीं है तो आप रिवाइज नहीं करोगे. ओके, इसके बाद हमारी रिविजन स्टार्ट हो जाएगी. ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच. स्पीच का फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है? नाउन्स, जो एक नेम होता है किसका, पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का, थिंग्स का. नाउन्स क्या होते हैं? किसी भी चीज का नाम, जो भी चीजें हमारे आसपास हैं. ठीक है, जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास उनका जो नेम होता है वो नाउन होता है. लाइक हमारे आसपास बुक्स पड़ी हैं, पेंसिल पड़ी है, पेन पड़ा है, फोन पड़ा है. ठीक है, कोई पर्सन है, कोई प्लेस है, क्लास है, स्कूल है, वॉशरूम है, रूम है, कोई भी चीज है, पार्क है, गार्डन है, ग्राउंड है, कुछ भी है. Everything is noun. Animals हैं, कोई cow, dog, sheep, birds, ये सारे क्या हैं? Nouns हैं. तो nouns basically place, people, animal, birds, things सबका name होते हैं. ठीक है, nouns के कुछ types भी होती हैं, common noun, proper noun. ठीक है, जैसे nouns की proper noun है, common noun है, उसकी revision हम next class में करेंगे. आगे थोड़ा सा part, आज के लिए इतना काफी है. I hope you all have started studying. We'll see you in the next class. Take care of yourself. Bye-bye.